नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 27 मई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ में देखेंगे इस करंट अफेयर से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लेटेस्ट अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं। यह करंट अफेयर की क्लास रोज़ सुबह 8:30 बजे चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है, इसरो को चंद्रमा के लिए मिट्टी निर्माण प्रक्रिया हेतु पेटेंट प्राप्त। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को चंद्रमा के लिए मिट्टी निर्माण प्रक्रिया हेतु पेटेंट प्राप्त हुआ है। इस पेटेंट को प्राप्त करने में पेरियार विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम और NIT तिरुचू के एक प्रोफेसर ने सहयोग किया है। इस अनबल गन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने इसरो को चंद्रयान मिशन के लिए अपने लैंडर और रोवर परीक्षण के लिए चंद्रमा मिट्टी की पहचान और उत्पादन में मदद की थी। इस टीम ने तमिलनाडु के नमक्कल में सीताम पोंडी और कुन्नामलाई गांव से एकत्र एनोर्थोसाइट चट्टान से लूनर सिमुलेंट मिट्टी का निर्माण किया था। पेटेंट अधिकारों के लिए 2014 में आवेदन किया गया था। पूरी तरह से प्रसंस्करण के बाद 18 मई 2020 को टीम को पेटेंट प्राप्त किया गया। यह पेटेंट आर्थिक लाभ के अलावा पेटेंट संसाधन उपयोग और चंद्र मिशन में आगे अनुसंधान में मदद साबित होगा। दूसरा हमारा है, मणिपुर की खुडोल पहल को संयुक्त राष्ट्र ने शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया। हाल ही में मणिपुर की खुडोल पहल को संयुक्त राष्ट्र ने शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है। खुडोल को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। खुडोल इम्फाल के एक गैर सरकारी संगठन या आल की एक पहल है। खुडोल एक क्राउड फंडिंग पहल है। इस पहल के तहत LGBTQI समुदाय, HIV संक्रमित, दैनिक मजदूरी करने वाले बच्चे और किशोरों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं या आल के बारे में। या आल को 2017 में स्थापित किया गया था। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है और इस संगठन ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। तीसरा है, मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। हाल ही पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। इस विचार को पहली बार 2019 में राज्य की खेल नीति के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस निर्णय का लाभ यह होगा कि खिलाड़ी इससे आनंद के साथ आजीविका कमा सकेंगे। तो आइए देखते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं और मुख्यमंत्री जोरम थांगा है। मिजोरम का राज्य पशु सीरो है। अगला है चौथा, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 1 रबी और 13 खरीफ सीजन की फसलें उगाने वाले किसानों को न्यूनतम आय की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के द्वारा 10,000 से अधिक किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। इसका उद्देश्य 14 प्रकार की फसलों की बुआई करने वाले किसानों को लाभान्वित करना है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य भारत का एक विशाल वनाच्छादित राज्य है छत्तीसगढ़,
जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला है, स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स लॉन्च के लिए तैयार। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे वायुसेना कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसैनिक अड्डे से लॉन्च किया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इसका शुभारंभ करेंगे। यह आधुनिक बहुद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान से लैस यह वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन है। नंबर 18 स्क्वाड्रन 1965 में बनाई गई थी। यह श्रीनगर से संचालित होने वाली पहली स्क्वाड्रन थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन के कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के विकसित किया गया। यह विमान फ्लाइट्स कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स और मल्टी मोड रडार से लैस है। ध्वनि की गति से तेज यह विमान अपने तरह का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है। अगला है छठवां, जाने माने हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन। हाल ही में जाने माने हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का मोहाली पंजाब में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अगला है सातवां, WHO ने COVID-19 के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी है। हाल ही में COVID-19 के संभावित उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। WHO ने इस निर्णय का द लैंसेट पत्रिका में छपे एक अध्ययन के बाद लिया, जिसके अनुसार COVID-19 के रोगियों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का उपयोग करने से उनके मरने की संभावना बढ़ सकती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आमतौर पर गठिया व मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश ने इस दवा के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया था। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री ने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के साथ साथ क्लोरोक्वीन का उपयोग करने की सिफारिश की थी। अगला है आठवां, ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति 44.2 Tbps प्राप्त। हाल ही में मोनास विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड डेटा गति प्राप्त की है। यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति है। इस गति को शोधकर्ताओं ने वर्तमान फाइबर ऑप्टिक्स प्रौद्योगिकी में अपने नए डिवाइस को संलग्न करके प्राप्त की है, जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा दुनिया भर में नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकता है। वर्तमान समय में सबसे तेज इंटरनेट ताइवान का है, जिसकी गति 85.02 Mbps है। अगला है नौवां, रेमडेसिविर कोरोना वायरस के रोगियों में रिकवरी समय को कम करता है। हाल ही में अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ संस्था द्वारा किए गए परिणामों में यह बात सामने आई है कि एंटीवायरस ड्रग रेमडेसिविर कोरोना वायरस के रोगियों में रिकवरी समय को कम करता है। यह शोध न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि रेमडेसिविर गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद था, विशेषकर उन्हें पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। लेकिन परीक्षण में यह बात भी सामने आई है कि दवा ने COVID-19 के कारण होने वाले सभी मौतों को नहीं रोका। अगला है दसवां,
अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला में गैसोलीन टैंकर का आगमन। हाल ही में अमेरिका प्रतिबंध के बावजूद वेनेजुएला में ईरान से गैसोलीन टैंकर का आगमन हुआ है। समझौते के अनुसार ईरान वेनेजुएला को 5 टैंकर गैसोलीन की आपूर्ति करेगा। इस समय दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार देश संकटग्रस्त राष्ट्र वेनेजुएला को बुरी तरह से ईंधन की ज़रूरत है। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जो अब देश में चलती अव्यवस्था के बीच अस्त व्यस्त हो गई है। तो आइए देखते हैं वेनेजुएला के बारे में कुछ। वेनेजुएला यह विविध प्राकृतिक आकर्षणों के साथ दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर एक देश है। इसकी राजधानी कराकस है और इसकी मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित समसामयिकी प्रश्नोत्तर। इसमें पहला है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को चंद्रमा के लिए मिट्टी निर्माण प्रक्रिया हेतु पेटेंट प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है डी, भारत। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला खुडोल क्या है? तो इसका आंसर है ए, मणिपुर के एक एनजीओ की पहल। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो इसका आंसर है डी, मिजोरम। चौथा क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। पांचवा क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है ए, इसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बेड़े के साथ लॉन्च किया जाएगा। बी, यह वायुसेना कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसैनिक अड्डे से लॉन्च होगा। सी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। और डी, नंबर 18 स्क्वाड्रन 1965 में बनाई गई थी। तो इसमें गलत ऑप्शन है सी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। यह गलत है। इसका शुभारंभ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया करेंगे। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है ए, हॉकी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने COVID-19 के उपचार के लिए के परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा। आठवां है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति प्राप्त हुई है, इसकी गति कितनी है? तो इसका आंसर है ए, 44.2 TBPS। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में वेनेजुएला को किस देश ने गैसोलीन का टैंकर भेजा है? तो इसका आंसर है बी, ईरान। और लास्ट दसवां क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है बी, कराकस। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।